जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। क्या बाहुबली 3 भी आएगी या तीसरा पार्ट भी आएगा, और आएगा तो कब? दरअसल मूवी में कई ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है। फिर बाहुबली 2 को लेकर हुई तमाम इंटरव्यूज में खुद डायरेक्टर राजामौली ने कभी सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया कि बाहुबली 3 नहीं आएगी या कोई प्लानिंग नहीं है। बाहुबली 3 पक्का बनेगी, कम से कम ये 5 सबूत तो जरूर इशारा करते। सबूत नंबर 1, बाहुबली 2 का आखिरी डायलॉग कुछ कहता है। मूवी देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे, और देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब माहेश्वरमति के सिंहासन पर बैठने के बाद महेंद्र बाहुबली ने वादा किया, मेरा वचन ही शासन है। सबूत नंबर 2, सन्यासी ने बताई शिव की मर्जी। इसके अलावा एंड में कास्टिंग आने पर कुछ समय रुके जरूर, एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा कि क्या इसके बाद माहेश्वरमति पर शासन किसने किया? क्या महेंद्र बाहुबली और उनके बच्चों का राज चला? इस पर बाहुबली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है, शिव की मर्जी, मैं क्या जानू। अब मूवी के हाइप और क्रेज को देखते हुए पूरे चांस है कि मूवी मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दाव लगाना चाहेंगे। फिर भले ही उनको दोबारा 2 साल का टाइम बाहुबली को पर्दे पर लाने पे लगे या 5 साल का। सबूत नंबर 3, जिंदा है भल्लाल देव के पिता और कटप्पा। बाहुबली 2 में अंत भल्लाल देव की मौत से हुआ और बिजल देव का किरदार जीवित है। हालांकि वो महेंद्र बाहुबली के राज तिलक में शामिल हुआ, लेकिन बाहुबली और बाहुबली 2 देखने के बाद ये समझ में आ गया कि ये शांत होकर बैठने वाला किरदार तो नहीं है, और कटप्पा के किरदार में अभी इतना दम है कि उसे बाहुबली 3 में भी पिरोया जाए। क्या पता इस मूवी में कटप्पा का पास्ट ही सामने आ जाए। सबूत नंबर 4, बाहुबली 3 में होगी महेंद्र व अवंतिका की शादी। बाहुबली में महेंद्र बाहुबली की प्रेमिका के किरदार में दिखी तमन्ना भाटिया यानी अवंतिका की बस झलक भर है। उनके फैंस अगर पलक झपका लेंगे तो शायद उनकी मौजूदगी देख नहीं पाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाहुबली के अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में दोनों का मिलन करा दिया जाए। बाहुबली 2 में महेंद्र भले ही अपनी माँ देवसेना से मिल गया हो, लेकिन प्रेमिका अवंतिका से उसका मिलन अभी अधूरा है, यानी बाहुबली 3 का पूरा स्कोप है। सबूत नंबर 5, हॉलीवुड को कर सकते हैं फ्रेंचाइजी में फॉलो। बाहुबली का पहला हिस्सा हो या दूसरा, तकनीकी कौशल में मूवी हॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टक्कर देती है। ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि इसे अगली कड़ियों में बढ़ाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे विदेशों में फिल्मों के नाम के साथ संख्या जुड़ती जाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस, 300 जैसी मूवीज की तरह। हालांकि बॉलीवुड में इस तरह का ट्रेंड चलन में और कई फिल्मों को नाम फायदा भी बिजनेस में मिला है। इसके अलावा करण जौहर जैसी मार्केट की समझ रखने वाले मूवी मेकर जरूर बाहुबली के सेट हुए नाम को आगे ले जाना चाहेंगे। खैर अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर या बाहुबली 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आराम से, बाय।